अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला कौसर और मेरे चैनल फूड डिश रेसिपीज में आपका स्वागत है। आज बनाएंगे हम मावे से नारियल की बर्फी, जो बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होगी। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। नारियल की बर्फी, इसके लिए लिया है 250 ग्राम मावा और 250 ग्राम ही नारियल का बुरादा लिया है हमने। और इसमें डालने के लिए ये हाफ कप चीनी है, जिसको पीस लिया है हमने। सबसे पहले कढ़ाई में डालेंगे हम मावा, इसको 2-4 मिनट भूनते हैं, भूनेंगे अच्छे से ताकि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। गैस फ्लेम हमें लो रखना है जब तक हम मावे को भूनेंगे, नहीं तो हमारा मावा जल जाएगा। जब तक मावा भुनना है, मावे को चलाते रहेंगे और जब तक हम अपनी थाली को भी ग्रीस कर लेते हैं। हम इस थाली में बर्फी को जमाएंगे, इसलिए इसमें घी लगा लेते हैं ताकि आराम से निकल जाए। मावे को भूनते हुए हमें 4-5 मिनट हो चुके हैं। देखिए, हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। बस हमें इतना ही इसे भूनना है। इसमें डाल देंगे हम शुगर। इसे डालकर भूनते हैं थोड़ी सी देर। शुगर हमारी मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे नारियल का बुरादा। इसको अच्छी तरह से मिलाकर, इसमें गीला ना रहे इतनी देर, बस इसको पकाएंगे। इसका पानी बिल्कुल खुश्क कर लिया हमने। देखिए, इसमें इलायची नहीं डालेंगे क्योंकि हमने नारियल है इसमें, तो इलायची का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। अब इसको हम थाली में पलटते हैं और इसे जमाते हैं अच्छे से। इसको इस तरह से करते हुए थाली में एकदम बिछा लेंगे। कितनी जल्दी नारियल की बर्फी बनकर तैयार हो गई है। इसको अच्छी तरह से एक कटोरी से फैला देंगे ताकि एक सी हो जाए। और लो जी, अब इसको सेट करने के लिए हम 1 घंटा फ्रिज में रखते हैं, उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। नारियल के बुरादे में ही थोड़ा सा ग्रीन कलर डाल के और इसको इस पर सजा दिया है ताकि ये खूबसूरत सा लगने लगे। दे रहा है ना पिस्ते का लुक। और इस तरह से इसको दबा देंगे ताकि सेट हो जाए ये। 1 घंटा हो चुका है फ्रिज में रखे हुए, अब हम इसकी कटिंग करते हैं। हम इसको बर्फी वाला इस तरह से शेप देंगे। देखिए, नारियल की बर्फी बनकर तैयार हो गई, कितनी खूबसूरत। इसी तरह से हम इसके सब पीस निकाल लेंगे। वाह, तो ये है हमारी नारियल की बर्फी मावे वाली, जो बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो गई है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। ज़रूर बनाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।